जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली, बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगे हैं और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को काफ़ी डीएम करने लगे हैं बच्चे कि सर फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। ये ज़्यादातर बच्चों को एसएससी जीडी की जो डेट थी 25 मार्च, हो सकता था, मैंने भी बोला था कि एक दो दिन लेट हो जाता है, 2-4 दिन तक या 6 दिन, जैसे सीएचएसएल का भी लेट हुआ था, तो लेट होके आ जाएगा नोटिफिकेशन। अब बच्चों को क्या लग रहा है कि आज मान लो उस डेट से 25 मार्च से लगभग 8 या 9 दिन ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन ना तो आया, ना ही एसएससी की तरफ से कोई नोटिस आया है। और बच्चे अब ये भी बोलेंगे सर आपने भी आरटीआई लगाया था उसका क्या हुआ? तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं, अभी तक उस आरटीआई का रिप्लाई नहीं है। उसके बाद मैं 3 आरटीआई और लगा चुका हूँ, आज भी एक लगाया हूँ कि इन्फॉर्मेशन के लिए कि कब तक इसकी वैकेंसी आएगी या इसका नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस, इसके बारे में कोई भी अगर अपडेट है तो उसके लिए मैंने आरटीआई 3 बार लगा दी है। लेकिन अब बच्चों की सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि सर नोटिफिकेशन आएगी कब या फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। 1 जून वाली जो वो थी वो तो बिल्कुल ही रद्दी थी, मैंने भी बोला था और जिन्होंने बताई थी वो भी माफिया मांग ली, आप सभी को पता है जिन्होंने वो बताया था, क्योंकि वो नोटिस बिल्कुल फेक था। क्योंकि इलीगली रूप से अगर कोई भी ऐसा नोटिस बाहर आया तो उस पर FIR भी हो जाती है और इलाज भी पक्का हो जाता है उसका। लेकिन अब ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चन बचते हैं कि सर फॉर्म अप्लाई कब होंगे, कब इसका एग्जाम होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, निराश नहीं होना। बहुत सारे बच्चे निराश हो गए नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण। दोस्तों निराश नहीं होना है, ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है आप सभी के लिए। निराशा आपको पढ़ने नहीं देगी, ठीक है। निराश और हताश इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ना तो आपको निराश होना ना ही हताश होना है। भले ही कुछ देर लग जाए कि रात घनी अंधेरी है, कुछ देर तो ठहर, सवेरा होने में कौन सी देरी है, तो आज नहीं तो कल आनी है। तो वैकेंसी तो आनी है दोस्तों, 101% वैकेंसी आनी है। और एसएससी की तरफ से अगर ऐसी कोई भी बात होती कि नोटिफिकेशन ज्यादा ही डिले होती, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 100% कोई ना कोई नोटिस एसएससी की तरफ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलता। दोस्तों अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगी और 101% आएगी। लेकिन आपको निराश नहीं होना दोस्तों। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो तैयारी में जान डाल दीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन नहीं होगी। अगस्त के महीने में आपके एग्जाम होने ही होने हैं, 100% आपके अगस्त के महीने में एग्जाम होने हैं। तो नोटिफिकेशन भले आ जाए या कल आए, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप सभी को पता है। कई ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें फॉर्म डेट देते हैं लास्ट डेट, उससे 1 महीने बाद में एग्जाम हो जाते हैं। तो एसएससी जीडी में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन एग्जाम तो पोस्टपोन थोड़ा ना हो रहे। तो आपकी तैयारी में बिल्कुल जान डालिए, एसएससी जीडी की इस प्रकार से तैयारी करिए कि 90+ स्कोर कर पाओ। क्योंकि आपको लग रहा है आप निराश हो, पूरी दुनिया नहीं है। जो बच्चा पढ़ने वाला ना वो निराश नहीं है अभी, ना उसको कोई भी टेंशन है नोटिफिकेशन की। उसने बस ये धारणा कर ली है कि आ जाए चाहे कल आए, एक सीट मेरी पक्की है। और जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि एक सीट मेरी पक्की है, उसको कोई टेंशन नहीं है नोटिफिकेशन चाहे आ जाए चाहे कल आए, चाहे अगस्त में एग्जाम हो चाहे दिसंबर में एग्जाम हो, उसको बस पक्का है कि तू जब भी आए मेरी है बस। और ये होना चाहिए कि तू जब भी आए, जिस दिन में भी आए, जितने भी पोस्ट किया है, मेरी एक पोस्ट पक्की है इस बार एस एस जी डी में, कि जो भी है जैसी भी है मेरी है, ये मान के तैयारी करना है। और तैयारी करने के लिए दोस्तों मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आपके पास में उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, बुक होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेज भी ले रहे हैं तो भी आपके पास में बुक होनी चाहिए दोस्तों। ये एस एस सी जी डी की ऑल इन वन बुक है, यानी सभी सब्जेक्ट की एक साथ बुक दी गई है, बहुत ही शानदार बुक है। इसमें भी हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। जिन बच्चों के पास में अभी तक ऑल इन वन बुक नहीं है या जिनको लगता है कि तैयारी करनी है उनको सब्जेक्ट या सिलेबस नहीं पता, तो ये ऑल इन वन बुक है। साथ में मॉडल पेपर की भी बुक है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, ओल्ड पेपर है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजन से आप जाके देख सकते हैं, बेस्ट सेलर बुक हो रखी है, यानी बहुत सारे बच्चे इसको खरीद रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो आप भी जाके खरीद सकते हो अगर आप तैयारी कर रहे हो, बहुत ही शानदार तैयारी करनी है अगर आपको, तो आप भी जाके परचेस कर सकते हो। दोस्तों अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया आपकी तरह, ज़्यादातर जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो निराश बैठे होंगे अभी, या नोटिफिकेशन नहीं आई तो हताश हो गए होंगे, या तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा, मन नहीं करा होगा तैयारी में। ना 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 ना, इन चक्करों के इनमें नहीं पड़ना, नहीं तो मंजिल बुरा मान जाएगी। तो मंजिल तो आपको पता है क्या है,
आज हो चाहे कल हो, चाहे कितनी भी डिले हो, लेकिन एग्जाम अगस्त के महीने में होने हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हो सकता है एग्जाम भी पोस्टपोन हो, तो दोस्तों काफी चांसेस रहते हैं कि ऐसे जीडी के एग्जाम पोस्टपोन नहीं होते, लेकिन अगर फिर भी एग्जाम पोस्टपोन हो भी जाते हैं तो ये तो है नहीं कि एक साल दो साल पोस्टपोन कर देंगे, एक महीना दो महीना भी हो सकता है, जैसे नोटिफिकेशन या दो चार डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन तैयारी एक महीने में नहीं होती है, ना तैयारी एक दिन से होती है। तैयारी के लिए आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी अभी से। आपको पता है आपकी मंजिल कहाँ है, आपको तो पता है ना एसएससी जीडी की वैकेंसी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर 40,000 की आएगी, 60,000 की आएगी, एज वाले बच्चों को थोड़ा सा डर है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम ओवर एज हो गए, 24 साल हो गए, एज रिलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम तैयारी करेंगे। दोस्तों तैयारी आपको करनी है, कोई संदेह नहीं है। अगर एज रिलेशन नहीं मिलेगा इसका मतलब ये थोड़ा ना वैकेंसी बंद हो गई है। आरपीएफ कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी भी तो आनी है, उसमें एज 18 से 25 साल चाहिए। तो तैयारी आपको करनी है और बिल्कुल टूट के करनी है। टूट के करने का मतलब है कि आपको ये मान के चलना है कि मेरा एग्जाम है अगस्त के महीने में, तब तक मेरे को 90+ नंबर मेरे पेपर सेट में, जो मॉडल जैसे मैंने बुक बता रहा हूं उनमें आपके 80, 85, 90 ये स्कोर होने लग जाने चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है, कुल मिला के 100 बात की बात एक है कि चाहे तू आ जाए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, ठीक है, एक पोस्ट गया या 1,000 पोस्ट गया, 40,000 पोस्ट गया, चाहे कितनी की, अगर एक की भी आई मेरी 40,000 पोस्ट की आई तो भी एक पोस्ट मेरी, और 60,000 पोस्ट की आई तो भी एक पोस्ट तो मेरी। ऐसी आपकी होनी चाहिए तैयारी। अगर ऐसी तैयारी करोगे बेटा तभी नंबर पड़ेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, फॉर्म फिलअप भी हो जाएगी, भर्ती भी निकल जाएगी, और आप है जैसे के जैसे घर पे बैठे रह जाओगे। तो फॉर्म फिल के लिए मैं बता चुका हूँ कि फॉर्म फिल चाहे आज हो चाहे कल हो दोस्तों, वैसे तो अभी तक कोई भी एसएससी की तरफ से नोटिस नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि नोटिफिकेशन आएगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं देनी होती तो वो जरूर कुछ ना कुछ डिले या लेट जरूर कोई ना कोई डिटेल देते दोस्तों, तो इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी, ज्यादा चिंतित ना हो। लेकिन कुल मिला के बात ऐसी है कि हथियार अपने लोड कर लो, दिमाग में भर लो एसएससी जीडी को, क्योंकि काफी बड़ी वैकेंसी है, बहुत बच्चों को रोजगार देती है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है फौज में जाने का, बहुत सारे बच्चों के माँ बाप का सपना होता है बेटे को वर्दी में देखने का, फौजी बनने का। दोस्तों जैसे मैंने सपने देखे आप भी देख रहे होंगे, लेकिन सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, बगल वाला भी 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तब बात नहीं बनेगी, आपको 6 घंटा पढ़ने पड़ेगा। तो इसीलिए जो बच्चे इस समय का सही उपयोग कर लेंगे, गारंटी है मेरी जो बच्चे इस समय का सही उपयोग कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे, वो पछताएंगे नहीं जब एग्जाम होगा। जो बच्चे नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहेंगे, फॉर्म भर के फिर पढ़ाई करेंगे, उसका इंतजार करेंगे, वो फिर फॉर्म भर भी देंगे और वैसे ही उनकी फिर पढ़ाई होनी है। पता क्यों? क्योंकि जो बच्चा आज तैयारी कर रहा है वो आपसे कितना प्लस रहेगा आपको भी पता है। अरे भाई दौड़ नहीं है ये, पढ़ाई है, ठीक है, दौड़ आपकी एक महीने में बन जाएगी, ये पढ़ाई है। इसको जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। इसीलिए निरंतर मेहनत करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है, और बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है, तभी जाके काम बनेगा बेटा। तो इसीलिए शानदार तरीके से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपका भी दिल खुश हो जाए, घर वालों का भी हो जाए। नोटिफिकेशन जल्दी आएगी, कोई टेंशन नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रहना है। नोटिफिकेशन जल्दी आएगी, वैकेंसी जल्दी आएगी, कोई संदेह नहीं है, और जितनी डिले हो रही है उतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर्म जल्दी अप्लाई हो जाएंगे, और इसके लिए चिंतित नहीं होना, बस आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पर। जय हिंद।